नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर वन और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा, और मैं हूं रोहित सावल। आज हमारे खास कार्यक्रम सामना सवालों का, हम एक ऐसी शख्सियत से हम आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत पंचायत से की और उसके बाद प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत यानी विधानसभा में पहुंचे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष अभय चौटाला की, जो आज हमारे सवालों का सामना करेंगे। अभय चौटाला साहब, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। बहुत धन्यवाद। चौटाला साहब, बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में आपकी पार्टी उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई, क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? उसका जो सबसे बड़ा कारण जो मैं समझता हूँ जी, कि लोग कांग्रेस के 10 साल के कुशासन से बहुत दुखी थे जी, और केंद्र में मोदी की नई नई भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी जी। सरकार बने केवल मात्र 3 महीने हुए थे और उन 3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो इनका मैनिफेस्टो था जी, जिसे चुनावी घोषणा पत्र कहते हैं, इन्होंने ये कहा था कि ये हमारा शपथ पत्र है जी, और ये लोगों के बीच में उसको लेकर के गए और ये मान कर के चलते थे प्रदेश के लोग कि मोदी जी ने जिस किस्म से वायदे किए हैं और जितना उन्होंने विश्वास के साथ लोगों के बीच में जाकर के कहा जी, तो एक उम्मीद बन जाती है कि एक इतना बड़ा व्यक्ति जो देश का प्रधानमंत्री बना है और वो इस विश्वास के साथ कहता है कि मैं इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाने का काम करूँगा जी, मैं इस प्रदेश से अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, मैं 8 वर्ष तक इस प्रदेश में रहा हूँ और मैं एक एक कोना इस प्रदेश का मैंने अपनी आंखों से देखा है जी, आप मेरे कहने से इस बार मत दे करके मेरी सरकार बनाओ ताकि मैं इस प्रदेश का विकास कर सकूं। एक कारण तो ये था। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण था, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के खिलाफ जी जो मामला दर्ज था, कोर्ट का जो निर्णय आया और उनको बीच में 17 तारीख तक के लिए जमानत मिली हुई थी जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब प्रचार कर रहे थे उस दौरान जी सीबीआई पे केंद्र की सरकार ने प्रेशर डाला कि तुम जाकर के कोर्ट में एफिडेविट दे और कहो कि उनकी जमानत को रद्द किया जाए जी, वो प्रचार नहीं कर सकते, और उन्होंने बीच में आकर के एप्लीकेशन लगाई, एफिडेविट दिया और चौटाला साहब को बिल्कुल चुनाव का जो मज था जी, चुनाव का मतलब पूरे यौवन पे चुनाव था, 3 दिन 4 दिन शेष बचे थे जी, उन्हें उनकी जमानत कैंसिल करके जेल में डाल दिया। ये 2 मुख्य कारण रहे कि हमारी पार्टी जो है अब इस बार जितनी उम्मीद थी वो नहीं कर पाई, हमें नहीं मतलब ये उम्मीद थी सारे आपके टीवी चैनल्स को, मीडिया को जी, और उसके साथ साथ प्रदेश के लोगों को भी, और प्रदेश के साथ जितने भी कोई राजनीतिक लोग थे वो सब ये मान करके चलते थे कि हम 35 से ऊपर सीट लेकर के जाएंगे जी। चौटाला साहब जी, चौटाला साहब एक और सवाल, एन वक्त पे आ गए जी, 2 कारण ये, और तीसरा जो बाबा राम रहीम जो है अपने आप को जो राम रहीम सब के साथ जोड़ करके ये दिखाना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं कि मैं तो हर कौम को साथ लेकर के चलने वाला व्यक्ति हूँ, उनका जो डिसीजन आया, उन्होंने जिस ढंग से खड़े होकर के कहा कि हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट डालना चाहिए जी, और मोदी जी ने सरसा में जा करके वहाँ नतमस्तक हुए थे कि मैं उस धरती पे आ जाया हूँ जिस धरती में राम रहीम जैसे संत रहते हैं, और शायद मोदी जी को इस बात का पता नहीं था, पता था तो क्यों उन्होंने इस किस्म से जा करके नतमस्तक हुए। देश के प्रधानमंत्री अगर किसी 302 और 376 के मुजरिम जी जिसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हो और जाकर के अगर देश का प्रधानमंत्री वहाँ नतमस्तक होगा, वहाँ जा करके कहेगा मैं इस धरती को सलाम करता हूँ, मैं इस धरती को नतमस्तक करता हूँ, तो फिर मान करके चलो उसके नतीजे क्या। बाबा राम रहीम को संत मानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई भी जो संत होगा जी वो ना तो फिल्में बनाने का काम करेगा, ना रेपिस्ट होगा, ना 302 का मुजरिम बन सकेगा। संत और महात्मा का काम नहीं है कि किसी को मरवा दिया जाए या संत महात्मा किसी अपने अनुयायी का रेप करने का काम करे जी। चौटाला साहब एक और सवाल, राजनीति में अगर सत्ता से दूर ज्यादा वक्त तक कोई रहता है तो वो ऐसी स्थिति कई तरह की मुश्किलें खड़ी करती है। आपकी पार्टी करीब 10-1 दशक हो गया सत्ता से दूर, क्या कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है? हम सत्ता के मुख्य लोग नहीं है
जी, हमने कभी भी ये नहीं सोचा था और ना कभी हमारी पार्टी का कोई कार्यकर्ता और नेता ये सोचता है कि हमने कोई सरकार बनानी है जी। हम तो लोगों के बीच में रह करके सेवा करना चाहते हैं। सत्ता सुख भोगने का साधन नहीं है जी। आज की जो सरकार है वो उसका सुख भोग रही है, ना कि लोगों के लिए कोई अच्छे निर्णय कर रही है। जिस किस्म के निर्णय आज लिए जा रहे हैं, आज जिस किस्म के निर्णय लेकर के लोगों के ऊपर थोपे जा रहे हैं, उससे ये लगता है कि ये सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, सत्ता का सुख भोग रही है। कांग्रेस कह रही है कि आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, कांग्रेस ही आरोप आपकी पार्टी पर लगाती है। अब कांग्रेस का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ये बात कहते हैं जी। मुझे बड़ी हैरानी होती है जब पत्रकार साथी ये सवाल करते हैं। मैं सोचता हूँ कि शायद या तो आप लोग अब तक इन सारी बातों को समझ नहीं पाए, और या फिर हो सकता है कि इस किस्म की चुटकी में आपको मजा आता है। नहीं, चौटाला साहब, सॉफ्ट कॉर्नर तो जरूर है बीजेपी को लेकर। मैं आपको बताता हूँ, सॉफ्ट कॉर्नर की बात ही नहीं है। हमने भारतीय जनता पार्टी को समय दिया था कि आप अच्छे निर्णय लो, हम आपका स्वागत करेंगे जी। और लोगों को जो उम्मीद थी, जिस तरह से आपको मैंडेट दिया, कहाँ आपके 4-6 MLA जीत करके आते थे, अब की बार आपके 47 जीत के आए हैं, तो कहीं ना कहीं जनता ने आपके प्रति विश्वास प्रकट किया और आपको कोई अच्छा काम करना चाहिए जी। जो आपने वायदे किए हैं उन वायदों को पूरा करना चाहिए। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात पे फिर आना चाहूँगा, आपको जरूर बताना चाहूँगा। जो लोग ये कहते हैं, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि हम बी टीम है, उसके साथ साथ वो ये भी कहते हैं कि लोक दल का अतिस्तव खत्म हो रहा है। मैं उनसे आपके माध्यम से पूछना चाहूँगा कि लोगों ने 67 सीटें जिता करके उनको सत्ता सौंपी थी जी। 5 वर्ष में अगर अच्छे काम करते तो 67 से ऊपर जाते जी, 40 पे आके खड़े हो गए जी। दूसरी बार जोड़ तोड़ करके पैसे के बलबूते पे, केंद्र भी सत्ता के बलबूते पे, उन्होंने सरकार बना ली। 5 वर्ष उस सरकार को चलाने का काम किया, और वो ये कहते हैं कि हमने उस 5 वर्ष में बहुत अच्छे अच्छे निर्णय किए थे, फिर 40 से 15 पे नहीं आना चाहिए था जी। अगर 15 पे आए हैं तो इसका मतलब ये है कि लोगों ने उनको इसलिए दुत्कारने का काम किया कि उन्होंने कोई अच्छे काम प्रदेश के लिए करने की बजाय अपनी जेब भरने का काम किया जी। उसके साथ साथ आज अगर वो ये बात कहते हैं तो आप उनसे पूछना कि आपकी केंद्र में क्या स्थिति है, आपकी जो कांग्रेस की नेशनल एग्जीक्यूटिव है, क्या आप उसके कई मेंबर हैं, कांग्रेस में कोई पद आपके पास है। कांग्रेस ने तो आपको दूध में से मक्खी को निकाल के जैसे बार कर दिया जाता है, उस तरह से आज बार कर रखा, ना तो आपकी वहाँ पे कोई जिम्मेवारी जी। और प्रदेश के अंदर भी जहाँ इनके 15 MLA थे, ये मान करके चलो अगर वो अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, 10 साल मुख्यमंत्री रहे, तो जो अपनी पार्टी का CLP का लीडर नहीं बन सका, किरण को CLP का लीडर बनाया गया और इनको दरकिनार किया गया, इसका मतलब कांग्रेस ने भी ये मान लिया कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस हरियाणा प्रदेश में खत्म हो जाएगी, क्योंकि लोग इनको पसंद नहीं करते। अब इसलिए ये अपने आप को सर्वाइव करने के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, और इनके पास कोई मुद्दे नहीं है, केवल मात्र एक बात कहते हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो कांग्रेस की बीजेपी की बी टीम है, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, हम किसी की बी टीम नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी कोई गलत फैसला लेती है, हम उसका डट करके विरोध करते हैं। चौटाला साहब, एक और सवाल, तो भारतीय जनता पार्टी से एक बात और कही है जी, अगर भाजपा ने जी हमारी दी हुई 4 सीट पे कार्रवाई नहीं करी तो हम उसके खिलाफ एक नया जन आंदोलन खड़ा करेंगे, लोगों को लेकर के सड़कों पे आ जाएंगे कि किस तरह से बीजेपी कांग्रेस की आज मदद करी। आज तो सही मायने में बी और ए टीम अगर कोई है तो भाजपा और कांग्रेस आपस में। आपके सामने उदाहरण है, हमने 400 पेज की एक 4 सीट जो है जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के खिलाफ दी थी जी, और उसके ऊपर हमारी पार्टी के अनेक लोगों ने साइन करके दिए थे। क्या उस 4 सीट पर सरकार काम कर रही है, आपको लगा अभी तक? कोई काम नहीं कर रही सरकार, काम नहीं कर रही। और मजे की बात यह है कि बीजेपी ने भी ये कहा था चुनाव से पहले कि हम भी एक इस तरह की 4 सीट गवर्नर को देंगे जी, उन्होंने 4 सीट नहीं दी, 4 सीट हमने दे रखी। हमने जब पहला सेशन आया उसके अंदर उनसे कहा था
कि हरियाणा में 10 वर्ष में कांग्रेस ने और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किस तरह से प्रदेश को लूटने का काम किया, किस तरह से गलत निर्णय लेकर के किसान को जमीन से उजाड़ने का काम किया, इन सब चीज़ों की इंक्वायरी होनी चाहिए। और हमने जब ये इंक्वायरी की बात कही तो मुख्यमंत्री ने और उनके अनेक मंत्रियों ने खड़े होकर के बड़े जोर शोर से कहा था कि हम 100% इसमें इंक्वायरी कराएंगे, हमें थोड़ा समय चाहिए। हमने पूछा कितना समय चाहिए, उन्होंने कहा थोड़ा समय चाहिए, ज्यादा समय नहीं चाहिए। अब आप कितना समय देते हैं सरकार? हम इस सारे ढर्रे को एक बार ठीक करना चाहेंगे। हमने कहा ठीक है, आपकी नई सरकार है, आप अपना पहले सारा सिस्टम जमा लें, उसके बाद कम से कम इस पर कार्रवाई करें। अगले सेशन में मुख्यमंत्री ने फिर आश्वासन दिया और कहा कि हम बहुत जल्द कराएंगे। अब 9 महीने बीत चुके, इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अंदर समझौता है इस बात को लेकर के। अदरवाइज तो अब तक इन सारे इश्यूज की इंक्वायरी किसी ना किसी हाई कोर्ट के सिटिंग जज को या सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड। अब कितना समय आप सरकार को देते हैं, क्योंकि आपने कहा कि समय तो दे दिया। हम इस सेशन में सरकार से पूछेंगे और सरकार की तरफ से अगर फिर वही आश्वासन आए तो जैसे ही सेशन खत्म होगा हम इसको जन आंदोलन का रूप दे करके सड़कों पर खड़े होकर के इस बात की डिमांड करेंगे और हम मजबूर कर देंगे सरकार को कि पहले इनके खिलाफ इंक्वायरी हो और इसके साथ साथ जो आपके गलत निर्णय उन निर्णयों को भी आप वापस लें। जी छोटाला साहब, प्रदेश की राजनीति में अगर रैलियों के इतिहास की बात करें तो रैलियां करने में आपकी पार्टी का कोई सानी नहीं है, इस बात को हम भी जानते हैं, हमने देखा भी है, चुनाव में चुनाव हो या ना हो, लेकिन आपकी रैलियां हुई, ताबड़तोड़ रैलियां हुई चुनावों में, भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला आपने नहीं किया, ये क्या पुराने रिश्ते का तकाजा था या क्या था? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं थी, हमने बड़े खुल करके उनके बारे में सारी लोगों के बीच में चर्चा करी और हमने कभी भी बात ये मान के चलो कि हम उन लोगों की तरह नहीं है कि जो अपनी जबान से इस तरह के शब्दों का यूज करे जिससे किसी को सीधा सीधा चुभन हो। हमने कभी किसी पे पर्सनल कटाक्ष नहीं किया। कोई दुख चौटाला, भारतीय जनता पार्टी से जब गठबंधन की डोर एक बार टूटी वो डोर दोबारा नहीं बंद पाई, इस बात का कोई दुख या अब किसी को आप वजह मानते हैं ये गठबंधन ना होने पर? आप बारी बारी से इन सब चीजों को क्यों दोहराते हो, क्यों इनकी चर्चा करते हो कि आपका गठबंधन हमारा और भाजपा का गठबंधन समाप्त हुए 5-7 साल से ज्यादा समय हो गया जी। और अगर हमारा गठबंधन होना होता तो फिर पिछले लोकसभा के चुनाव में हो जाता जी, लेकिन हमने साफ साफ कह दिया था कि हम जो फैसले हमारे पहले थे अगर उसी पे कल को तुम फैसला करोगे तो हम करेंगे। जिस दिन इनका गठबंधन कुलदीप के साथ हो गया हमने उस दिन ही कह दिया था कि हमारा और आपका अब गठबंधन नहीं हो सकता, ये रिश्ते आपके और हमारे दोबारा कभी भी नहीं जुड़ सकते क्योंकि आपके निर्णय गलत हैं जी, आपके फैसले गलत हैं। आपने एक तरफ कुलदीप को भी ले लिया, दूसरी तरफ हमारे साथ भी चलना चाहते हो, हम नहीं चल सकते ऐसे लोगों के साथ। हम प्रदेश के लोगों के हित के लिए जो लड़ने वाले लोग हैं उनके लिए तो राजनीति से ऊपर उठ करके कहीं भी किसी के साथ जाकर के खड़े हो सकते हैं जी, लेकिन जिन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया, जिन्होंने प्रदेश को बर्बाद किया, जिन्होंने इस प्रदेश में SYL नहर नहीं आने दी, पानी नहीं आने दिया, कांग्रेस की एक हमेशा से सबसे बड़ी चाल ये रही है, कांग्रेस ने SYL के मुद्दे के ऊपर, कांग्रेस ने पार्टीशन के मुद्दे के ऊपर इस प्रदेश को इस तरह से बांट करके रखा हुआ है कि आज भी लोगों के बीच में इन इश्यूज को जब जिक्र करते हैं तो लोग कहते हैं कि नहीं ये कभी सॉल्व होने वाले नहीं है जी। अगर कांग्रेस की नीयत ठीक होती तो हरियाणा और पंजाब के बीच में कभी विवाद नहीं होते। जिस दिन बंटवारा हुआ था उसी दिन इन सब चीज़ों के फैसले हो जाने चाहिए थे और फैसला करने वाला कोई और नहीं था उस वक्त की केंद्र की कांग्रेस की सरकार ने करने थे। उस वक्त तो लोग भी इतने जागृत नहीं थे, लोगों को भी इतना पता नहीं था, तब तो एक लीक खींचने वाली जी और हो जाता, लेकिन जानबूझ करके पानी के मुद्दे, आपस में ये जो चंडीगढ़ का मुद्दा, इसके अलावा 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र का मुद्दा, ये जानबूझ करके लटकाए हुए मुद्दे हैं जी, ताकि लोगों का ध्यान बटा रहे और तुम इस बहाने से अपनी सरकार बनाते रहो। बिल्कुल चौटाला साहब, आप हमारे साथ बने रहिए, यहाँ छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी हमारे तमाम सवालों का सामना अभय चौटाला करते रहेंगे।